गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सुधीर एंड वेलकम यू ऑल ऑन टुडेज क्लास। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर व्हिच इज अवर चैप्टर नंबर 6, शेप्स एंड पैटर्न। ओके, वी आर स्टार्टिंग अवर न्यू चैप्टर दैट इज द शेप्स एंड पैटर्न, चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 107। ओके डियर स्टूडेंट्स, इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 107। ओके, ऑन द पेज 107 देयर इज अ वार्म अप। ओके, देयर आर सम वार्म अप क्वेश्चंस एंड देयर आर वार्म अप क्वेश्चंस। सो एज यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 107 देयर इज अ शेप। द फर्स्ट शेप इज अ, दिस शेप इज फॉर द नो हॉर्न। ठीक है, हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे शेप्स कहां पर देखे हैं, व्हेन यू आर मूविंग अलोंग द रोड, है ना। हम जब रोड पे चलते हैं देन वी आर ऑब्जर्विंग द साइन, यस, सिग्नल्स ऑन द रोड। सो दैट दिस इज अ साइन ऑफ नो हॉर्न। ओके, दैट मीन्स डोंट यूज द हॉर्न। सेकेंड वर्ड इज प्रेसिडियस क्रॉसिंग, दैट मीन्स वॉट, दिस इज अ सिंबल, दिस इज अ सिंबल। सेकेंड सिंबल इज फॉर द क्रॉसिंग ऑफ रोड। द थर्ड वन इज इंडिकेटिंग द टू वे ट्रैफिक। ओके, दैट मीन्स जहां से दोनों साइड से आ रहे और जा रहे, दैट इज अ टू वे ट्रैफिक। देन देयर इज अ हेडिंग, दैट इज द बेसिक शेप्स। ओके, बेसिक शेप, सो देयर आर फोर काइंड ऑफ बेसिक शेप। ओके माई डियर, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ बेसिक शेप। द फर्स्ट वन इज द रेक्टेंगल, देन स्क्वेयर, देन ट्राइंगल, देन सर्कल्स। सो दीज फोर शेप्स आर अ फोर बेसिक शेप। आज हम लोग पहले बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द सॉलिड शेप। ओके, दीज आर द बेसिक शेप, रेक्टेंगल, स्क्वेयर, ट्राइंगल एंड दी सर्कल। ठीक है, एंड द ग्रिड इज गिवन। लिसन डियर स्टूडेंट्स, फिर आपके बुक में नीचे ग्रिड है, देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ डॉट्स। ओके, एंड यू हैव टू ड्रॉ, यू हैव टू ड्रॉ अ स्क्वेयर, रेक्टेंगल एंड द ट्राइंगल एज यू विश। आपको जैसा लगता है वैसे वहां पर आपको ट्राइंगल, रेक्टेंगल और स्क्वेयर को ड्रॉ करना है। ओके, बट लिसन, इट इज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ अ सर्कल इन दैट ग्रिड। उस ग्रिड में हम लोग सर्कल नहीं बना सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज अ शेप्स एंड पैटर्न। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर व्हिच इज द शेप्स एंड पैटर्न। सो लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स दिस चैप्टर। सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द बेसिक शेप। एंड एवरीवन प्लीज गिव द हेडिंग, गिव द हेडिंग बेसिक शेप्स। ओके, बेसिक शेप्स, दीज आर द फंडामेंटल शेप्स। ये फंडामेंटल शेप्स है, मतलब हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं हम लोगों ने रेक्टेंगल, स्क्वेयर्स, सर्कल और ट्राइंगल को देखा है, है ना। एवरीवेयर नेचर में भी सर्कल्स, रेक्टेंगल्स, स्क्वेयर्स, एवरीथिंग वी ऑब्जर्व इन अवर डेली लाइफ, है ना। हम लोग हमेशा डेली लाइफ में देखते हैं, जस्ट लाइक चपाती, इफ योर मॉम इज मेकिंग चपाती, इट इज इन फॉर्म ऑफ सर्कल, यस, बिंगो टेढ़े मेढ़े, एंड द बिंगो ट्राइंगल शेप्स आर ऑल्सो देयर। दिस शेप इज ट्राइंगल शेप। Squares, square is also we can observe in our daily life, just like a tiles, आपके घर में जो tiles होती है that is in square shape, or maybe it can be a rectangle shape, हो सकता है वो rectangle shape में भी हो। ठीक है, so these are the basic shape we can observe in our daily life. तो हम लोग अब इनके बारे में पढ़ेंगे, the properties of basic shapes, basic shapes कैसे होते हैं। ठीक है, then we will learn about the sum important properties of basic shape, means what, basic shapes में क्या क्या included है और क्या क्या detail में पढ़ना है। ठीक है, so first of all we will learn about the rectangle. Okay, first of all we will learn about the rectangle. I already told you that there are four types of basic shape, rectangle, squares, triangle and the circle. Okay, so now first of all we will move towards the rectangle. Okay, we will move towards the rectangle and rectangle is looking like this. ठीक है, ऐसा दिखता है रेक्टेंगल। सो एज यू कैन सी अ रेक्टेंगल हैव अ फोर साइड्स। ओके, लिसन डियर स्टूडेंट, साइड्स मींस व्हाट। ठीक है, साइड का मतलब क्या होता है, दिस टू आर साइड एंड दिस टू इज ऑल्सो साइड्स। ठीक है, ओके, दैट इज अ साइड्स। ये जो चारों आपको दिख रही है, ओके, ये वाली 1, 2, 3 and 4, दीज आर फोर साइड्स। ओके, देर आर फोर साइड्स। ठीक है, चार साइड्स है एंड फोर कॉर्नर्स। रेक्टेंगल हैव फोर साइड्स एंड फोर कॉर्नर्स।
Now the question arises that what is meant by corner? Corner kya hota hai? So the corner is when the two sides join together. Listen dear students. Ab ye wali side yahan se aayi. And this is also a side. When the two side meet at a point. Ek aisa point jahan par kya ho raha hai? जहां पर दो साइड आके मिलती है when the two sides join together at a point, this is called as corner. So this is a one corner, this is a second corner, this is a third corner and this is a fourth corner. A sharp edge, एकदम sharp tip is called as the corner. क्या बोलते हैं इसको? Corner, ठीक है. And another name is vertex. Corner को vertex भी बोलते हैं. Okay, don't be confused. कॉर्नर को क्या बोलते हैं? वर्टेक्स भी बोलते हैं. सो द रेक्टेंगल हैव फोर साइड्स. वन टू थ्री फोर. ओके, दीज आर द फोर साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड दिस टू साइड्स जॉइंड हियर. दिस जॉइंट, ये यहां पे जॉइंड हुआ है. सो दिस इज अ कॉर्नर. ये वाली साइड, दिस साइड एंड दिस साइड जॉइंट टूगेदर हियर. दिस साइड एंड दिस साइड इज जॉइंट टूगेदर हियर एंड दिस साइड एंड दिस साइड जॉइंट here. That means there are four joints. Char taraf joint hai. And that joint is called as, this joint is called as the corner. So the rectangle have four sides and four corners. Or we can say that four vertex. Vertex bhi bolte hai corners ko. Theek hai? Then the point at which two side meet. Jab do side joint hoti, that is called as corners. Okay, that is the definition of corner. Understood? The triangle, sorry, rectangle have four sides, four corners. Rectangle have a four side. How many sides? Four sides and four corners. Char sides hai aur char corners hai. Very good. Now let's move towards the second one. And the second one is this square. So square is looking like this. Square jo hai kuch aisa dikhta hai. Okay. Now what is meant by square? Square or rectangle mein bas thoda sa fark hai. It is little bit different. The square have all, okay, one minute. This is a rectangle. This is a rectangle. Rectangle ki na opposite sides equal hoti hai. These two sides are equal and these two sides are equal. Ye jitna rahega utna ye bhi rahega aur ye jitna rahega ye bhi utna hi rahega. Rectangle mein opposite sides ek dusre ke opposite mein है ना. जस्ट लाइक यू आर वॉचिंग मी, मैं आपके अपोजिट में हूं. सिमिलरली द दिस साइड, द अपर साइड इज अपोजिट साइड ऑफ दिस साइड. है ना, एक रोड है, आपका घर इधर है और दूसरा घर इधर है. तो दैट दिस होम, दिस हाउस एंड दिस हाउस आर अपोजिट ऑफ इच अदर, एक दूसरे के अपोजिट साइड में. ठीक है, सो दिस टू साइड आर अपोजिट साइड, दिस टू साइड आर अपोजिट साइड एंड अपोजिट साइड आर इक्वल. दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों भी इक्वल है. Similarly, the square have all the sides same. Listen, dear student, square have all the sides same. Square में चारों के चारों sides same होती है. ठीक है? It is looking like a perfect square. एकदम perfect box के जैसा दिखता है, एकदम छोटा है ना. चारों तरफ से same रहता है. Okay. Now, square have four sides and four corners. Again, the square have four sides. One, two, three and four. The square is also have four sides. Okay, this is a side. Ye side hai. Kya hai? Side hai. Okay, that means it is a wall. You can say it is a wall. Wall bhi bol sakte ho. There are four walls or four side and four corners. When the two walls join together, you get a corner. Tab aapko corner milega. Theek hai? All the sides of squares, all the sides of square is equal. क्या होता है? चारों के चारों sides equal होती है. ठीक है. Now let's move towards the triangle. And it is a triangle. As you can see, this is a triangle. You have it in a triangle chips. खाए हो ना triangle chips. So it is looking like a triangle. Okay. Now triangle has a three sides and three corners. So triangle have three side. One, two, and three. So this is a sides of a corner. Sorry, sides of a triangle. Okay, ये जो तीन sides है वो क्या है? Triangle की sides है. These three sides are sides of a triangle. Okay, triangle में three sides होते हैं
एंड थ्री कॉर्नर होते हैं. वेन द थ्री साइड ज्वाइन टूगेदर, दैट मीन्स ये वाली यहां पे ज्वाइन होगा, दिस टू साइड ज्वाइंट हियर एंड दिस टू साइड ज्वाइंट हियर. सो दिस इज अ ट्राइंगल एंड ट्राइंगल हैव अ थ्री साइड, दिस इज अ साइड. ये जो लाइन है ना, दिस इज अ साइड. लाइन सेगमेंट, जो लाइन होती है ना सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन, दैट इज कॉल्ड एज साइड. लिसन डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट इज इज स्ट्रेट लाइन, वेदर इट इज हॉरिजेंटल, वेदर इट इज वर्टिकल और वेदर इट इज स्लैंटिंग लाइन, दैट इज कॉल्ड एज साइड. और दिस इज वन साइड, टू साइड एंड दिस इज द थ्री साइड. सो ट्राइंगल हैज थ्री साइड एंड थ्री कॉर्नर्स. कितने साइड है? तीन साइड, तीन कॉर्नर्स है. ठीक है, अंडरस्टूड? नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द स्पेशल स्पेशल बेसिक शेप. अब हम स्पेशल बेसिक शेप की तरफ चल रहे हैं एंड द स्पेशल बेसिक शेप इज दिस सर्कल. स्पेशल बेसिक शेप कौन सा है? सर्कल का है. नाउ लिसन केयरफुली माई डियर, सर्कल के पास कोई ऐसी लाइन है क्या? स्ट्रेट लाइन. कैन यू ऑब्जर्व देयर द सर्कल हैव अ स्ट्रेट लाइन? क्या सर्कल स्ट्रेट लाइन है? जैसे कि लाइक लुक लाइक हियर, इट इज स्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट, दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रेट. बट सर्कल में कोई स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, इट इज अ क्लोज्ड कर्व टाइप है. ठीक है, दैट मीन्स वॉट? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज साइड. सर्कल में एक भी साइड नहीं है, नो साइड. एंड इफ देर इज नो साइड, साइड ही नहीं है तो जुड़ेगी कहां से, है ना? सो देर इज नो कॉर्नर, नो साइड, नो कॉर्नर्स. ओके, दिस इज अ सर्कल. सर्कल क्या है? इट इज अ राउंड शेप एंड देर इज नो साइड एंड नो कॉर्नर्स. अंडरस्टूड एवरीवन? आई होप यू अंडरस्टैंड. आफ्टर दिस वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रोजेक्ट. ओके, बट बिफोर दैट वॉट यू हैव टू डू, लिसन माई डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव द कलर पेजेस, आपके पास कलर पेजेस होंगे घर में, है ना? एंड इफ यू डोंट हैव अ कलर पेजेस, इट्स ओके. टेक अ A4 साइज पेपर, कोई भी पेपर ले लो, उसको कलर कर लो, यू हैव द कलर्स. ठीक है, देन यू हैव टू कट द रेक्टेंगल, स्क्वेयर्स, सर्कल एंड द ट्राइंगल. आपको क्या करना है? उसको कट आउट करना है. ठीक है, उस पेज को क्या करना है? ट्राइंगल को कट आउट करना है, सर्कल को कट आउट करना है. यू कैन यूज अ बैंगल, है ना? बैंगल होता है, उसको यूज कर सकते हो. सो व्हेन यू विल यूज द बैंगल फॉर द सर्कल, इट विल बी अ परफेक्ट सर्कल, अच्छे से सर्कल बन जाएगा. उसको काट के यू हैव टू कट दैट पेपर इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल, स्क्वेयर्स के ट्राइंगल्स, ये बेसिक शेप आपको बनाने हैं. देन यू हैव टू स्टिक दैट बेसिक शेप इन टू यूर नोटबुक. आपको अपनी नोटबुक में उसको स्टिक करना है. ओके, दैट इज योर होमवर्क. एंड आफ्टर दिस वी विल मूव टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट. इसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट को सॉल्व करेंगे एंड एक्सरसाइज 6.1 भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो माई डियर स्टूडेंट्स, प्लीज नोट डाउन दिस ऑल थिंग्स इन योर नोटबुक. यस माई डियर, प्लीज नोट डाउन इन योर मैथ्स नोटबुक. देन वी विल प्रोसीड टूवर्ड्स द प्रोजेक्ट विच इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 109. हम लोग पेज नंबर 109 की तरफ चलेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. क्विकली नोट डाउन. Okay, dear students, so now we are moving towards the project and it is available on page number 109. Okay, dear students, so please open the page 109
Okay, on the page 109, we will solve some questions of exercise 6.1 and the project. ठीक है, हम लोग project भी solve करेंगे. So let's solve the project on page number 109. ठीक है, okay. So as you can see on page 109, as you can see towards my left hand side या right hand side, I don't know about that, but आपको दिख रहा है, ठीक है, on the screen. So now here we have to tick the shape of these objects. Okay, shape of these objects, जितने भी हमारे पास objects है उनका shape कैसा है हम लोगों को tick करना है. Okay, so now as you can see here the fridge door, आपके घर में जो fridge है, the door, it is rectangle. Yes, it is a rectangle. The door of fridge is in the shape of rectangle. It may be a square. क्या square हो सकता है? I don't have a seen. अभी तक मैंने देखा नहीं है. But somewhere किसी किसी fridge door square type में भी होते हैं. ठीक है? So square. The door of fridge can be a rectangle. It is in triangular shape. क्या किसी fridge का door triangular shape में होता है? No. It is not possible. And in the form of circle? No. Circle के form में भी नहीं होता है. Okay. बैंगल, बैंगल मीन्स वॉट? बैंगल जो हम लोग हाथ में पहनते हैं ना. सो बैंगल इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल? नो. स्क्वेयर्स? यस, स्क्वेयर्स फॉर्म में अभी अभी आए हैं कुछ कुछ जगह पर. सो इट मे बी अ स्क्वेयर्स बट इट इज अ फैशनेबल बैंगल्स. सो यू कैन क्लिक ऑन स्क्वेयर्स एंड सर्कल्स इज डेफिनेटली सर्कल के फॉर्म में रहेगा. ठीक है, देन इट इज नॉट, यू कैन कट हियर, आप यहां पे कटआउट भी कर सकते हो. इट इज नॉट नेसेसरी दैट द बैंगल इज इन द शेप ऑफ स्क्वेयर्स. जरूरी नहीं है स्क्वेयर के शेप में रहे. ठीक है, इट इज अ सर्कल. सर्कल इज, सर्कल तो पक्का है. ठीक है, गिव मी अ वन मिनट. ओके, सो नाउ हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द विंडो. विंडो इज इन रेक्टेंगुलर शेप? यस, द विंडो इज इन रेक्टेंगुलर शेप. इट मे बी अ स्क्वेयर शेप, ट्रायंगुलर शेप आज तक तो मैंने कभी देखा नहीं. And circle, the window is in form of circle. No, okay. CD, it is a compact disc. What is meant by this? It is a compact disc. Okay, compact disc जो है, it is in form of circle. जो पहले CD होती थी, हम लोग उसमें songs सुनते थे. That is a compact disc. Disc is in form of circle. Table top, table के ऊपर का जो top है, top surface, that is in the form of rectangle. Yes, it may be a rectangle. It may be a square, but I have not seen a triangle. It may be a circular shape. Circle वाला table भी रहता है, ठीक है? Then clock. Clock may be a rectangle. I not have seen squares. Yes, I seen the squares. A clock in the form of squares. Triangle समान घड़ी. It may be a wristwatch. हो सकता है. नहीं भी हो सकता. It is okay. सर्कल डेफिनेटली आपका जो क्लॉक है वो सर्कुलर फॉर्म में रहेगा. टेलीविजन सेट, दैट मीन्स व्हाट, आपके घर में जो टीवी है, दैट इज, इट इज फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल? यस, इट इज इन फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. क्या वो स्क्वायर शेप में है? नो. इट इज इन फॉर्म ऑफ ट्रायंगल? इट इज इन फॉर्म ऑफ सर्कल? नो. ओके, एनवलप, एनवलप जो होता है दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. ओके, एनवलप, लिफाफा जिसको बोलते हैं हम लोग, वी आर पुटिंग सम मनी इन द that envelope or we can put a letters in the envelope. ठीक है, square shape का envelope I not have seen, अभी तक मुझे दिखा नहीं है, but बनाया जा सकता है. Is in form of triangle? No, it is not in form of triangle and not in form of circle. Okay, sandwiched, sandwich जो होता है, it is in form of rectangle? Yes. It is in form of square? Yes. It is in form of triangle? I have not seen, अभी तक मैंने तो नहीं देखा. And it is in form of circle? Yes, it is in form of circle. And listen one more thing, the sandwich can be in a form of triangle also. Agar aap rectangle ko cut out karte ho, if you are cutting the sandwich into two pieces, you can see that the sandwich is in form of triangle. Do triangle ban jate hain, theek hai? I hope you understand. Now we will solve some questions, these questions. Okay, which of the above object is the biggest square? सबसे बड़ा, बिगेस्ट स्क्वायर कौन सा हो सकता है? सबसे बड़ा, बिगेस्ट स्क्वायर वी वांट टू फाइंड आउट. इट मे बी अ फ्रिज डोर. ओके,
It may be a bangle. No bangle, but the size of bangle is very small. Window, yes. Window जो है सबसे बड़ा square हो सकता है. So we will write window. ठीक है? Okay. Then which of the above object is the biggest rectangle? Biggest rectangle, सबसे बड़ा rectangle. Sandwich? No. The size of sandwich is very small. Envelope is very small. Television is small. Table top. Yes, table top. आपके घर का डाइनिंग टेबल. Yes, it is in form of rectangular. Rectangle के फॉर्म में है. And it is a biggest rectangle. सबसे बड़ा rectangle है. हाँ, विंडो भी हो सकता है, but table शायद मेरे हिसाब से बड़ा होना चाहिए. Because the table is in form of rectangle and the dining table is bigger than window. Okay, so we will write here. What we will write? Table top. Okay, we will write table top. Now we will move towards the question number 3. And the question number 3 is saying that which of the above object is the smallest rectangle? Sabse chota rectangle is. Sabse chota rectangle is. It may be a clock. Clock bhi ho sakta hai. If you are wearing a wrist watch. Agar aapke haath mein hand watch hai. Wrist watch hai. So it is in form of rectangle. Bahut chota hoga. You can write a clock. Ya fir aap likh sakte ho. It is a wall clock or it is a wrist watch. I don't know. Here is written only clock. So you can write clock and smallest rectangle we want. Smallest rectangle. Okay. Smallest rectangle is clock. Clock ho sakti hai. And envelope maybe. Agar aap banate ho to. But clock is very smaller than envelope. So we will write clock only. Okay. Which of the above object is the smallest circle? Sabse chota circle. It may be a clock. Yes. CD have the size like this. CD ka size bada hota hai. Bangles is also a smallest circle, but the clock, a wrist watch is a smallest circle. So you can write clock or then you can write a bangle also. If the bangle is in a small size, then you can write smallest. That means sabse chota hi chahiye, so it is clock. Okay. I hope you understand. Now we will move towards the exercise 6.1. Okay, dear students, we are moving towards the exercise 6.1. Okay, so let's move towards the exercise 6.1 and we have to find the number of rectangles and number of squares in this shape. Ye shape mein number of squares kitne hain aur number of rectangles kitne hame find out karna hai. So let's find out first of all squares. So this first is, this is a one square. Yes, this is a second square. This is a third square. And this is the fourth square. And one more square is there. This biggest square. So this is a 5. There are 5 squares. Now we have to find the rectangles. Okay. Now we have to find the rectangles. Ab rectangle kaise nikaloge? So this is a 1 rectangle. This is a 2 rectangle. Okay. Then this is a 3 rectangle. This is the 4th rectangle. That means there are 4 rectangles. Okay? 4 rectangles. Hai. And my dear parent, listen here. Please don't tell about the squares. Is also a rectangle. Okay? It is not in syllabus of standard 3rd. Pata hai mujhe ki square is also a rectangle. But it is not in syllabus, my dear. Okay? So first of all, we have to find. It is a basic shape. And basic shape mein humko sirf hame itna hi dekhna hai. How many number of rectangles and how many number of squares are there in this box? Okay, we will not use the concept of quadrilateral. Hum log quadrilateral ke concept abhi bachcho ko nahi padhayenge. It is in standard 6th. Okay, so don't be confused. So there are 4 rectangles, my dear. Okay, listen, dear students. If you can, you are observing 4 rectangles are here. So we will write 4. Okay, understood. I hope you understand. Okay, now let's move toward the question number 2. We have to find the form. How many number of triangles are there? Okay. So this biggest triangle is 1 triangle. Then this is a 2. This is 3, 4 and 5. So there is a 5 rectangle. 5 triangles are there. How many triangles are there? 5 triangles are there. Okay. Now we have to find the number of rectangles in this figure. So number of rectangles kitne hain? So this is a 1 rectangle. This is a 2nd and this is the 3rd rectangle. There is a one more rectangle and that is this one.
ये वाला भी अब आपका सबसे बड़ा रेक्टेंगल है. सो देर इज अ फोर रेक्टेंगल इन दिस फिगर्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड एंड आई टोल्ड यू टूडेज प्रोजेक्ट. आपका स्टूडेंट्स का जो प्रोजेक्ट है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट? यू हैव टू, इफ यू हैव द कलर पेपर्स, यू कैन कट द रेक्टेंगल, स्क्वेयर, सर्कल एंड ट्राइंगल. यू हैव टू कट एंड यू हैव टू स्टिक इन योर बुक. आपको बुक में लिख के उसमें नाम लिखना है, ठीक है? यू हैव टू एंड नेमिंग. और इफ यू डोंट हैव द कलर पेजेस, टेक अ ब्लैंक पेपर, सफेद पेपर आपके घर पर होगा, ठीक है? देन यू हैव, और इफ यू हैव अ न्यूज पेपर, टेक दैट न्यूज पेपर और वॉट एवर, कलर दैट पेपर, उसको कलर कर लीजिए, देन कट इट एंड स्टिक इन योर नोटबुक. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक शेप. दीज आर द बेसिक शेप्स. ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही. आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा. एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर, यू कैन आस्क मी. हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, टेक केयर. एंड आई एम क्लिकिंग द फोटोग्राफ ऑफ दिस पेज 109 एंड आई एम सेंडिंग टू यू. ओके, बाय.